अपने लहू में जानू के गा लहू तो ये अंधेरे न रहे कर्ज चुकाना है धरती को खून पिलाना है मिट्टी का कर्ज चुकाना है मिट्टी ने दी है जान हमें मिट्टी ने दी है जान हमें इस बात का है अभिमान हमें इस बात का है अभिमान इस बात का है अभिमान हमें इस बात का है अभिमान हमें धीरे धीरे उसे भी फांसी लेंगे हम अगर आप दोनों शादी करना ही चाहते हैं तो फिर भाई देर किस बात की जी हम आपसे माफी मांगते हैं भाभी बस आपसे एक और विनती है कि आप शादी में जरूर आइए फिर तो मुबारक हम संती बन गए अरे नहीं गले लीजिए लगी है गले आइए त्यागी जरा पीछे हो जाइए ना एक और लो यार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तुम्हें पता है जयदेव मैं हमेशा सोचा करती थी कि तुम नींद से जाकर अखबार पढ़ते बैठोगे मैं तुम्हारे लिए चाय लाऊंगी और फिर हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे देखा जो भी सोचा वो सब सच हो गया हमने जो कुछ भी सोचा है ऐश्वर्या सब कुछ सच हो जाएगा अब मुझे ऐसा लगता है कि हमने शादी करने में इतनी देर क्यों कर दी एक दूसरे का इतने साल इंतजार क्यों करते रहे अब इतने साल इंतजार किया है तो एक दूसरे से उतना प्यार भी तो करेंगे जयदेव हमने इतने सालों में जो कुछ भी खो दिया है ना वो हर कमी पूरी कर लेंगे पता है ऐश्वर्या मेरा मन क्या कहता है क्या चंद दिनों के लिए हम दोनों बिल्कुल अकेले हो सिर्फ तुम और मैं कहीं कहीं बाहर चले मैं भी तो तुमसे यही कहना चाहती थी फिर कहा क्यों नहीं अब तुमने मौका ही नहीं दिया इससे पहले कि मैं तुमसे कुछ कहती तुमने कह दिया अच्छा ये बताओ कहाँ जाएंगे जहाँ तुम कहो नैनीताल चले आज ही चले अब भी चलते हैं मैं तैयारी करती अरे ऐसी भी क्या चलती है थोड़ा रुको तो सही तो मैं तुमसे कह रही कि ऐसी भी क्या जल्दी है थोड़ा रुको तो सही हेलो हेलो पापा मैं बोल रही हूँ हेलो बेटा कैसी हो मैं ठीक हूँ पापा पापा मैं और जयदेव हफ्ते भर के लिए नैनीताल जाना चाहते हैं मैं जाऊं अरे बेटा हमसे क्या पूछती हो अपने पति के साथ जा रही हो हम कैसे कह सकते हैं कि मत जाओ पापा आप अपना ख्याल रखना मैं जल्दी लौट आऊंगी नहीं नहीं जल्दी लौटने की कोई जरूरत नहीं जितना रहना चाहती रहो हमारी फिक्र मत करना हम बिल्कुल ठीक है यू हैव अ ग्रेट टाइम एंड एंजॉय योरसेल्फ जी पापा ओके बेटा बाय टेक केयर हैं यू टू पापा बाय हेलो हेलो कनक जी सहगल बोल रहे हैं जी सर भाई वो जय और ऐश्वर्या कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है तो हम चाह रहे थे कि जय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप संभाल लें जी और एक छोटी सी गुजारिश और भी थी कहिए आज हमने कुछ खास दोस्तों के लिए छोटी सी दावत रखी है हम चाहते हैं कि आप भी जरूर आए जी सर मैं जरूर आऊंगी थैंक यू कनक जी ओके बाय बाय त्यागी की एक मिसरा हमको याद आ रहा है बहुत ही कमाल का मिसरा है लेकिन पूरा याद नहीं है इरशाद जितना याद है कहता शायर कहता है कि कैसा किनारा हाथ में आया है कि डूबी जाऊं क्या बात अरे त्यागी जी हम अभी हाजिर कनक जी आप नमस्कार नमस्कार आइए आइए भाई राजू बिठाइए जरा
आप यहाँ अलग थलग घूम रही हैं, क्या बात है? और क्या करूंगी भाई, आप मेजबान हैं, मेहमानों की खातिर तवाज़ो कीजिए। मैं कैसे करूंगी खातिरदारी? कमाल है, हम तो आपको अपना फैमिली मेंबर समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें अपना समझें। आइए, आप हमारे साथ आइए। कहिए चौहान साहब, यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? क्या बढ़िया, जरा संभल के फर्स्ट क्लास। आइए आइए अनीता, सो नाइस दैट यू कुड मेक इट। आइए आइए, हम आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। त्यागी जी, ये अनीता हैं। त्यागी जी कमिश्नर पुलिस। नमस्ते। कनक जी हमारे साथ काम करती हैं अखबार में। और चौहान साहब भाई इस शहर की बहुत बड़ी हस्ती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आइए। हेलो, मैं कुछ भिजवाऊं आपके? मैंने आपकी तस्वीरें देखी हैं, मॉडलिंग करती हैं ना? थैंक गॉड आपने पहचाना तो सही, वरना लोग जानबूझकर अनजान बन जाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। आप ऐसे लगते भी नहीं हैं। Have a drink. No thanks, I don't drink. Really? चौहान जी आपने अपना पूरा नाम नहीं बताया। आई एम मोहन कुमार। अगर मैं आपको मोहन जी करके बुलाऊं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? आप मुझे सिर्फ मोहन कह के पुकारेंगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। okay. वैसे जनरली लोग मुझे चौहान साहब ही कहते हैं। सहगल साहब को कैसे जानती हैं? उन्हें मैं एक पार्टी में मिली थी। दे वेरी नाइस मैन। या ऑफ कोर्स ही इज। चौहान साहब किस लड़की से बतिया? अभी मिलवाया ना हमने आप, मॉडलिंग करती हैं और हमने चौहान साहब से उनका परिचय करा दिया है। उससे बात करते हुए कि चेहरे की लालिमा को देखा। बड़े खुश नजर आ रहा है। मैंने पहले तो ना किसी पार्टी में देखा नहीं वैसे। मैं ज्यादा पार्टी में जाती हूँ, मुझे शोर शराब पसंद नहीं है। आपको? मुझे भी कोई खास नहीं। अगर आपको शोर शराबा पसंद नहीं है और मुझे भी नहीं पसंद तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो क्या करना चाहिए? किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ खामोशी। आया जा सकता है लेकिन सहगल साहब को बुरा ना लग जाए, पार्टी छोड़ के जाना ठीक नहीं है। मोहन जी इंसान को वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहे। तो ठीक है, चलिए। नमस्कार कनक जी। नमस्ते। हमें देख के आप चौंक गईं। हाँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप यहाँ आएंगे। भाई कनक जी, हम सोचा तो हमने भी नहीं था, सच्ची बताएं, लेकिन पहुंच गए। बैठिए ना। नहीं नहीं, हम बैठेंगे नहीं, दरअसल हम किसी और काम से इधर से गुजर रहे थे तो हमें याद आया कि हमने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात? भाई वो हमारी दावत में आपने हमारे मेहमानों को इतना ख्याल रखा, उनकी देखभाल की और हमने आपका शुक्रिया अदा नहीं किया। आपने जो कहा मैंने किया, अगर आप शुक्रिया कहेंगे तो मैं समझूंगी कि आप मुझे गैर समझते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, हम ऐसा नहीं समझेंगे, बल्कि अब तो यही कहना पड़ेगा कि हमें आपकी याद आ गई और हम चले आए। अब आएगी तो बैठी ना, मैं आपके लिए कप कॉफी बनाती हूँ। काश हम बैठ सकते, रियली बहुत जरूरी मीटिंग पर जाना है, लेकिन आपकी ये कॉफी उधार रही, आप जब बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। हम जब चाहे आ जाए। थैंक यू भाई, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो नाइस। बैठे।
आप पानी कुछ पियेंगे? नहीं, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। पता नहीं कभी मेरी जिंदगी में एक्सीडेंट हुआ नहीं, आज तो अचानक से सामने आ गया और मेरा भी पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। तो अनिता जी, हमें उस लड़के को हॉस्पिटल लेना चाहिए था। अब मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है कि क्या होगा। मोहन जी, हम उसे हॉस्पिटल कैसे ले जा सकते हैं? आपकी गाड़ी के बम्पर पर खून के निशान लगे हुए थे, अगर कोई देख लेता तो आप तो फंसते, आपके साथ साथ मैं भी फंस जाती। फिर अब क्या करना चाहिए? आप एक काम कीजिए, गाड़ी यहीं छोड़ दीजिए, मैं सुबह धुलवाकर ऑफिस में भिजवा दूंगी। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगी? वो सब मैं कर लूंगी, सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, इस हादसे में ना आप इन्वॉल्व हैं ना मैं। You are right. We should not get involved in this. No way. Okay, मैं जाता हूँ। हाँ? ठीक है। Bye. अभी तक सोई नहीं? आप ही का इंतजार कर रही थी, क्या हुआ? पार्टी में बड़ी देर लग गई? पार्टी में गया था तो देर तो होनी थी। आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पार्टी में कुछ हुआ क्या? पार्टी तो ठीक ही थी, पर बाद में मजा खिड़खिड़ा हो गया। क्या हुआ? अरे दरअसल वापसी में गाड़ी बंद पड़ गई, अब इतनी रात हो चुकी थी कि कोई मैकेनिक भी नहीं मिला, टैक्सी करके घर आना पड़ा। तो गाड़ी क्या रास्ते पर ही छोड़ दी? तो और क्या करता, रस्सी से बांध के लाता उसे। तुम भी बस सवाल करती हो। इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, कुछ और हुआ है क्या? कुछ और यानी? कुछ नहीं, आपका मूड कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है, इस वक्त मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। ये मिस्टर सक्सेना है, कल रात इनका एक्सीडेंट हुआ था। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी सिस्टर, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। थैंक यू सिस्टर। आई एम इंस्पेक्टर सिद्धांत, मुझे आपका बयान चाहिए। जी कहिए। आपका नाम क्या है? सुखदेव मेहरा। मेहरा, कहाँ रहते हैं आप? जी मैं दिल्ली में रहता हूँ, अपने भाई से जयदेव से मिलने यहाँ आया था, जो एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे। आप जयदेव जी के भाई हैं, वही जो एक्सप्रेस न्यूज़ में एडिटर थे? आप जानते हैं उन्हें? बहुत अच्छी तरह से। वैसे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? जी मैं अपने मोटरसाइकिल पे था, मैंने गाड़ी धीमी कर दी, मतलब एक मोड़ पे था तो गाड़ी धीमी कर दी, पीछे से कार आके टकरा गई। ओहो, अच्छा उस कार का नंबर आपने नोट किया? जी नहीं, बस इतना याद पड़ता है कि उस गाड़ी का रंग काला था। काला रंग। अच्छा मिस्टर सुखदेव, आपको कुछ और याद आता है उस गाड़ी के बारे में, या उस गाड़ी को कौन ड्राइव कर रहा था? नहीं, बस मेहरबानी करके अगर आप जयदेव को मैसेज दे सकते हैं तो दीजिए, ताकि वो फौरन आके मुझसे मिले। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। मिस्टर सुखदेव, अगर मुझे कुछ और पूछना होगा तो मैं आपसे आके मिलूंगा। और हाँ, गेट वेल सून। थैंक्स इंस्पेक्टर।
एक्सक्यूज मी, आपकी गाड़ी की चाबी मैंने पार्क कर दी। थैंक यू। हाउ बेटर? मुझे लगता है आप उस हादसे को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो। भूल जाइए उसे, किसी को आप पर शक नहीं होगा। बात शक की नहीं है, एक्चुअली मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैं उस समय इतना कमजोर क्यों पड़ गया, मैं डर क्यों गया। खामा वो एक हादसा था जिसमें ना मेरी कोई गलती थी ना उस लड़के की, फिर मैं उसे सड़क पे छोड़ के क्यों चलाया, उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गया मैं। मैं जानती हूँ आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जो गलती हो गई है उस पर दुखी होने से क्या फायदा। आप बहुत इमोशनल इंसान है चौहान जी, वरना ऐसे हादसे तो इस शहर में रोजाना होते रहते हैं और किसी को कोई परवाह भी नहीं होती। एनीवे मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, बैठना थोड़ी देर। इस वक्त नहीं, अगर आप चाहें तो हम दोबारा मिल सकते हैं। तो ठीक है, आप चाहें तो हम जरूर मिलेंगे। आइए। अरे इंस्पेक्टर सिद्धांत, आप भाई हमसे अब क्या गुनाह हो गया? नहीं सर, कोई गुनाह नहीं हुआ, दरअसल मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मेरी सॉरी फॉर इट। बात यह है कि मैं जयदीप जी के घर गया था, उनके घर पे कोई है नहीं, तो आप बता सकते हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? अरे भाई हनीमून मनाने, क्या बात है? दरअसल उनके भाई सुखदेव का एक्सीडेंट हो गया है, मोटरसाइकिल से जा रहे थे किसी कार से टकरा गए। इज यू वेरी सीरियस? बच गए, यही गनीमत है, इस वक्त हॉस्पिटल में है वो। I'm sorry, I'm disturbing you, लेकिन क्या आप उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे प्लीज? Oh, definitely. हम अभी फोन करते हैं। आइए बैठिए। जयदेव प्लीज जरा फोन सुनो। जयदेव हेलो। जय, हम साइकिल बोल रहे हैं, तुम दोनों खैरियत से तो? हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। किसका फोन है? तुम्हारे डैडी का, ऐश्वर्य से बात करनी है। नहीं दरअसल हमें तुमसे बात करनी थी, तुम दोनों यहाँ वापस जल्दी लौट आओ। क्या हो गया? भाई इंस्पेक्टर सिद्धांत आए हैं, उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में है। सुखदेव का एक्सीडेंट हो गया? घबराने की कोई बात नहीं है, हमने पता किया है कि वो खतरे से बाहर है, फिर भी तुम जल्दी आ जाओ। बस हम आज ही यहाँ से रवाना हो रहे हैं। गुड। ऐश्वर्य हमें फौरन यहां से निकलना होगा, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी इस बात का है अभिमान हमें, इस बात